بسم الله الرحمن الرحيم. First year English. Lesson number 01. Button, button. Exercise questions and answers. With Urdu translation. Exercise question number 1. Why did Norma consider the tone and attitude of Mr. Stewart offensive? Mr. Stewart ka ravaiya ya unka labo lehja Norma ko jarehana mehsoos hua. Iski kya wajah thi? Norma found Mr. Stewart's tone and attitude offensive due to his rude behavior. Mr. Stewart ka jo ravaiya tha wo sakht tha ya badtameezi par mabni tha. Isi wajah se unki jo tone hai aur labo lehja Norma ko nagwar guzra. She informed him, Norma ne Mr. Stewart ko bataya, that she was busy, ki wo masroof thi. But he kept on insisting her in a business-like manner. Lekin Mr. Stewart asrar karte rahe ek karobari andaaz mein to take the button unit, taake Norma button unit ko le le. He lacked civility and politeness during his talk with Norma. Norma ke saath बातचीत के दौरान मिस्टर स्टुअर्ट के रवैये में या उनकी गुफ्तगु में तहजीब और शायस्तगी की कमी थी. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2. व्हाई डिड आर्थर डिसएग्री विद हिज वाइफ? आर्थर अपनी बीवी से मुत्तफिक क्यों ना हुआ? आर्थर डिडंट एग्री विद हिज वाइफ सिंस ही बिलीव्ड दैट किलिंग समवन फॉर फाइनेंशियल गेन was immoral and selfish. Arthur apni biwi se muttafiq na hua kyunki wo uska manna tha ke mali fayde ke liye kisi ko qatl karna ek gair akhlaqi amal hai aur khud garzi wala amal hai. He was a compassionate and sympathetic man. Arthur ek hamdard aur shafiq insaan tha. He made every effort, usne puri koshish ki, to prevent Norma from pressing the button, ke wo Norma ko button dabane se baaz rakhe. He disliked, usko pasand nahi tha, the idea of getting $50,000 for pushing the button, ke button dabane pe unko $50,000 hasil ho jaye. Ye idea usko pasand nahi tha. Exercise question number 3. Why did Norma try to persuade her husband to agree with her? Norma apne shohar ko apne saath muttafiq karne ke liye israr karti rahi, koshish karti rahi. Usne aisa kyun kiya? Norma desired to live a better life. Norma ki khwahish thi ki wo ek behtar zindagi guzare. And had greed for money. और नॉर्मा को पैसे की हवस थी या पैसे का लालच था. हर हस्बैंड अपोज्ड द नोशन ऑफ किलिंग समवन फॉर द सेक ऑफ मनी. लेकिन उसके शोहर आर्थर को पैसे के लिए किसी को कत्ल करने का जो ख्याल है वो अच्छा नहीं लगता था. वो इस आइडिया के इस ख्याल के खिलाफ था. देयरफॉर इसलिए शी ट्राई टू पर्सुएड हर हस्बैंड टू अग्री विद हर. इसलिए नॉर्मा उसको अपने साथ मुत्तफिक करने के लिए कोशिश करती रही या असरार करती रही. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 4. व्हाट वर द रीजंस? कौन सी ऐसी वजूहत थी नॉर्मा गेव टू हर हस्बैंड जो नॉर्मा ने अपने शोहर को बताई टू एक्सेप्ट द ऑफर ताकि वो उस पेशकश को कबूल कर सके. नॉर्मा ट्राई टू कन्विंस हर हस्बैंड. नॉर्मा ने अपने शोहर को कायल करने की कोशिश की दैट दे वर ओनली पार्ट ऑफ रिसर्च वर्क के वो सिर्फ किसी तहकीकी काम का हिस्सा हैं. एंड दैट दे वोंट एक्चुअली मर्डर समवन फॉर मनी कि वो असल में किसी को नहीं मारेंगे पैसे के लिए. ये सिर्फ किसी तहकीकी काम या रिसर्च वर्क का वो हिस्सा बन रहे हैं. दे वो टेक अ ट्रिप टू यूरोप एंड बिल्ड अ लिटिल कॉटेज ऑन द आइलैंड. नॉर्मा ने अपने शोहर को कहा कि इन पैसों से
वो यूरोप की सैर करेंगे और किसी जजीरे पे एक छोटा सा घर बनाएंगे उन पैसों से. मनी कुड बाय देम बेटर फर्नीचर क्लोथिंग एंड अपार्टमेंट. और पैसे से वो बेहतर फर्नीचर कपड़े और रिहाइश ढूंढ सकते थे या खरीद सकते थे. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5. व्हाई डिड मिस्टर स्टीवर्ड कंटिन्यू परसुएडिंग नॉर्मा. मिस्टर स्टीवर्ड नॉर्मा को बटर यूनिट लेने पर असरार करते रहे. क्यों? परहैप्स मिस्टर स्टीवर्ड वर्कड एज अ कंपनी रिप्रेजेंटेटिव. शायद मिस्टर स्टीवर्ड किसी कंपनी के नुमाइंदा के तौर पर काम करते थे. ही कंटिन्यूड परसुएडिंग नॉर्मा टू रिसीव द बटन यूनिट. वो नॉर्मा को बार बार बटन यूनिट लेने का असरार करते रहे. एज ही हैड नोटिस्ड हर क्यूरियोसिटी एंड इंटरेस्ट इन द ऑफर. क्योंकि मिस्टर स्टीवर्ट को इस पेशकश में नॉर्मा की तजस्स और दिलचस्पी का पता लग चुका था. ही मे बी कंसिडरिंग दिस एज अ मीन्स ऑफ रिसीविंग द कमीशन फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर. हो सकता है कि मिस्टर स्टीवर्ट नॉर्मा को कायल करके अपने एम्प्लॉयर से कमीशन हासिल करने का एक जरिया ढूंढ रहा हो. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6. What was the message Norma received on pushing the button? बटन को दबाने पर नॉर्मा को कौन सा पैगाम वसूल हुआ? After pushing the button, बटन को दबाने के बाद नॉर्मा received a call from Lenox Hill Hospital. उसको Lenox Hill Hospital से एक call वसूल हुई. She was informed, नॉर्मा को बताया गया of the death of her husband, कि उसके शोर की वफात हो चुकी है, in the subway accident, subway हादसे में. The crowd of people had pushed Arthur in front of the train. रेलवे स्टेशन पर बहुत ज़्यादा हजूम था, तो उस हजूम ने नॉर्मा के शोहर आर्थर को ट्रेन के आगे धकेल दिया और उसकी मौत हो गई. Exercise question number 7. What is the significance of Arthur's life insurance policy? आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की अहमियत क्या थी? Arthur's life insurance policy for $25,000 would be doubled in case of his death. आर्थर की लाइफ इंश्योरेंस $25,000 थी, जो कि उसकी मौत के सूरत में डबल हो जानी थी, यानी 50,000 हो जानी थी. It is significant. ये अहम बात है. Because the same amount was promised by Mr. Stewart in case of pushing the button. क्योंकि यही वो रकम थी, यानी $50,000, जो कि मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा था कि बटन को दबाने पे नॉर्मा को मिलेंगे. इट्स पॉसिबल, ऐसा मुमकिन है, दैट द इंश्योरेंस कंपनी वांट्स, कि इंश्योरेंस कंपनी चाहती हो, टू प्रोटेक्ट इट्स रेपुटेशन, अपनी शोहरत या अपनी साख को बहाल करना, बाय पेइंग इट्स कस्टमर, अपने कस्टमर को अदा करके डबल इंडेमनिटी, दोहरा मुआवजा आफ्टर द एक्सीडेंट, हादसे के बाद. ऐसा मुमकिन है कि इंश्योरेंस कंपनी हादसे के बाद अपने साफ को, अपने कस्टमर को दोहरा मुआवजा अदा करके अपनी शोहरत या साख को बचाना चाहती हो. एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8. डिड नॉर्मा रिमेन नॉर्मल ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ द एक्सीडेंट ऑफ हर हस्बैंड. अपने शोर के हादसा की या अपने शोर के मौत की खबर की सुनने के बाद नॉर्मा का रद्दअमल क्या था? नॉर्मा डिडंट रिमेन नॉर्मल ऑन रिसीविंग द न्यूज ऑफ हर हस्बैंड्स एक्सीडेंट. अपने शोर के हादसा या मौत की खबर सुनने के बाद नॉर्मा अपने आप पर काबू ना रख सकी या नॉर्मल ना रह सकी. शी वॉज अनएबल टू ब्रीथ और वॉक. ना तो उसको सांस आ रहा था और ना ही उससे चला जा रहा था. शी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड एंड enraged. वो बहुत मायूस और गुस्से में थी. समथिंग कोल्ड pressed at her skull. उसका माथा ठंडा हो चुका था. She felt her head shaking. उसको अपना सर हिलता हुआ महसूस हो रहा था. Thanks for watching.
Please subscribe my channel. Also like and share this video with your friends. Thanks.